पिछले 3 दिनों से राजधानी पटना समेत कई इलाकों में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से अब राजधानी पटना में गंगा में भी पानी की वृद्धि हो गई है। आप देख सकते हैं कि गंगा नदी पूरी तरह उफान पर है। हालांकि मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है, तो कई जिलों में कम बारिश होने की संभावना है। लेकिन राजधानी पटना में जो पैरामीटर लगा है वो देखिए कि बिल्कुल 8.5 यानी 9 mm के बीच में जो पानी की वृद्धि होती है वो हो चुकी है। और राजधानी पटना के इलाके में जब लोग यहाँ बैठते थे जिन सीढ़ियों पर, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। देखिए ये गंगा का नज़ारा है। लोग जहाँ सीढ़ियों पर शाम के वक्त बैठा करते थे वो सीढ़ियाँ अब डूब चुकी है, यानी पूरी तरह से गंगा उफान पर है। और उत्तर बिहार में हुई बारिश की वजह से ये वृद्धि हुई है गंगा में। हालांकि आमतौर से राजधानी पटना में जब बारिश का मौसम होता है तो काफ़ी तेज़ वर्षा होती है, लेकिन इस बार कम बारिश, अनुमान से कम बारिश हुई है। लेकिन उत्तर बिहार जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है वहाँ भारी बारिश हुई है। पिछले 3 दिनों के अंदर वर्षा की वजह से ही इस गंगे में उफान आई है। हालांकि जो विभाग है उसने अलर्ट जारी किया और कई ऐसे ज़िले हैं जिसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। भोजपुर, बक्सर और अरवल, उन इलाकों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, प्रशासन को कहा है सतर्क रहने के लिए। लेकिन राजधानी पटना का ये जो घाट है, इस वक्त पटना कॉलेज से लेकर के जो गांधी घाट का इलाका है वहाँ बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। आमतौर से जो छात्र पढ़ने आते हैं वो और जो घूमने वाले लोग हैं वो भी यहाँ जमा होते हैं और यहाँ बैठते हैं। पेड़ पौधा छांव है, लेकिन वो जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ लोग बैठा करते हैं वो उफान पानी की जो वृद्धि हुई है गंगा नदी में, ये उत्तर बिहार में हुई भारी वर्षा की वजह से हुई है। नेपाल से सटा हुआ कई ऐसा इलाका है, सीतामढ़ी, मोतिहारी, सुपौल, दरभंगा, उन इलाकों में भारी वर्षा हुई जिसकी वजह से राजधानी पटना की बिल्कुल अपने जहाँ लोग नीचे बैठते थे वो पूरी तरह से डूब चुकी है। और मरीन ड्राइव की जो खूबसूरती है वो भी इस गंगा के उफान की वजह से देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राजधानी पटना की गंगा में उफान है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश तो कुछ जिलों में कम वर्षा होने का अनुमान लगाया गया है। सीमा अख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।